पुलिस पिछले कुछ समय से भारी उथल पुथल का गवाह बना हुआ है। यहाँ कई मोर्चों पर जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं प्रॉक्सी वॉर ने इलाके को अशांत बना रखा है। इस बीच एक खबर ने तनाव को और चरम पर लाकर खड़ा कर दिया है। बताया गया कि इराक से सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर रॉकेट दागे गए हैं। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब एक दिन पहले ही इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी अमेरिका के दौरे से लौटे हैं। इस दौरे पर उन्होंने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी। खास बात है कि अमेरिकी सेना के खिलाफ फरवरी के बाद ये पहला हमला है। फरवरी में हुए हमलों में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी और साथ ही 40 अन्य लोग घायल हो गए थे। इराक में ईरान समर्थित समूहों ने अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ अपने हमले उसके बाद रोक दिए थे। दावा है कि सीरिया बॉर्डर से सटे इराक के शहर जुम्मार में छोटे ट्रक पर एक रॉकेट लॉन्चर को तैनात किया गया। उसी से अमेरिकी मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाकर 5 रॉकेट दागे गए। इस दौरान जिस ट्रक पर रॉकेट लॉन्चर रखा हुआ था उसमें भी ब्लास्ट हो गया। बताया गया कि ट्रक को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की गई थी। इसमें अमेरिकी जंगी विमान के शामिल होने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के निदेशक ने बताया कि इराकी बॉर्डर से सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर कई रॉकेट दागे गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने पुष्टि नहीं की है कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक की वजह से ट्रक में ब्लास्ट हुआ। बताया जाता है कि इस इलाके में इराकी सुरक्षा बल तैनात हैं, जिन्होंने घटना के बाद जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इसमें कोई भी अमेरिकी कर्मी घायल नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि इराकी बॉर्डर से अमेरिकी मिलिट्री साइट्स पर रॉकेट दागने के बाद हमलावर दूसरे वाहन से फरार हुए थे। दावा है कि यह हमला इराक के ईरान समर्थित समूह ने किया है। इस समूह ने कहा कि सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर इसी तरह के हमले करना जारी रखेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो कताइब हिजबुल्ला से जुड़े एक टेलीग्राम ग्रुप में दावा किया गया कि इराक में सशस्त्र गुटों ने अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन को खत्म करने के लिए करीब 3 महीने के बाद हमले फिर से शुरू करने का फैसला किया है। बताया गया कि अमेरिका ने इसे विफल रॉकेट हमला करार दिया। खास बात है कि घटना से एक दिन पहले बीते शनिवार एक मिलिट्री बेस पर विस्फोट हुआ था। इसमें एक इराकी सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई थी। इसमें ईरान समर्थित समूह भी शामिल थे। वहीं अल मयादीन की रिपोर्ट की माने तो अल उमर तेल क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर 4 मिसाइलों से हमला किया गया। वहीं पूर्वी सीरिया में अमेरिकी खराबर जिर अड्डे को 3 मिसाइलों और एक ड्रोन से निशाना बनाया गया। पूर्वी सीरिया में 2 सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य ठिकानों को 1 घंटे से भी कम समय के भीतर निशाना बनाया गया है। पहली घटना देश के पूर्वी हिस्से में डेर एज़ोर के ग्रामीण इलाके में अल उमर तेल क्षेत्र के पास ग्रीन विलेज में अमेरिकी बेस से सुनाई देने वाले विस्फोटों के साथ हुई। इसके बाद अल हस्काह के उत्तर में खराब अर्जिर हवाई अड्डे पर अमेरिकी बेस के आसपास 3 विस्फोटक सुने गए। वहीं न्यूज एजेंसी स्पूतनिक ने बताया कि अमेरिकी एयरफोर्स ने डेर एज़ोर ग्रामीण इलाके में मयादीन डेजर्ट में सहायक सीरियाई सेना बलों की स्थिति पर 4 हवाई हमले किए।